वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यधीशतारिणे हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप में से कुछ भक्तों के चेहरे जाने पहचाने हैं, शायद मैंने जो भक्ति शास्त्री लिया था उसमें कुछ लोग थे। आप में से कितने लोग थे? भक्ति शास्त्री है, हाँ, दयाल चंद्र प्रभु थे और सूरदास गौरांग प्रभु भी है। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्रीमद भागवतम की पूरी तुलना 12 स्कंदों की तुलना भगवान श्री कृष्ण से की गई है और दशम स्कंद को श्रीमद भागवतम का भगवान का सुंदर मुखारविंद बताया गया है। और ये दशम स्कंद में हम जानते हैं 90 अध्याय, पूरे श्रीमद भागवतम के 12 स्कंदों में 335 अध्याय। तो एक प्रकार से देखा जाए तो दशम स्कंद है वो श्रीमद भागवतम का एक तिहाई या एक चौथाई भाग है, 90 अध्याय 335 में से। अब जो 90 अध्याय हैं इसमें से जो पहले 40 अध्याय हैं वो व्रज लीला के लगभग, बीच के 10 अध्याय भगवान की मथुरा गमन मथुरा लीला के हैं और आखिरी के 40 अध्याय भगवान के द्वारका, द्वारका में जब भगवान स्थित थे, हालांकि बीच में हस्तिनापुर गए कुरुक्षेत्र आए लेकिन मुख्यतः द्वारका में स्थित थे। तो भगवान की 40 + 10 + 40 90 अध्याय। तो ये 40वें अध्याय के आसपास 38वें अध्याय से हम देखते हैं कि इसमें एक ट्रांजिशन है ना, भगवान व्रज से मथुरा जाएंगे ना? और भगवान के इस व्रज से मथुरा लाने के इस महत्वपूर्ण ट्रांजिशन पूरा बदलाव हुआ। व्रज में भगवान व्रजेंद्र नंदन है, ग्वालवाल है, गायें चराते हैं, हालांकि वो कहलाते हैं व्रजेंद्र नंदन है लेकिन वो व्रज के ज्यादा राजनीति में ज्यादा भाग नहीं लेते। बस एक बार जब इंद्र का यज्ञ हो रहा था उसमें रुकावट डाली, ऐसे में भगवान खेलते कूदते हैं, रास रचा रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, पूरा स्वयं रूप भगवान अपने स्थित हैं वहां। अब उनको मथुरा में लेके आना, मथुरा से जब भगवान द्वारका में गए तो इतना बड़ा अंतर नहीं, लेकिन व्रज से मथुरा आना बहुत बड़ा अंतर था भगवान के लिए। और हम सब देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आता है तो कुछ परेशानी होती है, लेकिन भगवान हमें सिखाएंगे किस प्रकार से भगवान ने इस चेंज को, इस परिवर्तन को स्वीकार किया। और इस पूरे परिवर्तन में, पूरी लीला के मूड में परिवर्तन आप देखेंगे। अगर कृष्णा बुक अगर आपने पढ़ी हो प्रभुपाद जी की तो आप देखेंगे 40 अध्याय तक जो कृष्णा बुक में हर एक चैप्टर के ऊपर का जो वो है, ऊपर लोगो बना हुआ है, उसे भगवान की व्रज लीला है, भगवान कायों के साथ है। और 50वें अध्याय से 41वें अध्याय से भगवान का जो पूरा लोगो है वो अलग है। क्या देखा किसी ने ध्यान दिया? कृष्णा बुक के 50वां अध्याय 51वां अध्याय होगा तो उसके ऊपर एक छोटा सा लोगो बना होता है, चित्र बना होता है, वो क्या है? अगर द्वारका लीला मथुरा लीला में, हाँ, दयाल चंद्र को चैतन्य वो देख रहे हैं, पहले में देखा होगा तो गाय, भगवान गाय के साथ है ना। उसके बाद के आखिरी के 40 अध्यायों में देखेंगे तो कुछ और लोगो, क्या है दयाल चंद्र चैतन्य लोग? दिखाई दिया? कोई भी खोल लीजिए, 51, 52, 53, 54, कोई भी अध्याय खोल लीजिए।
तो उसमें देखेंगे भगवान धनुष के साथ, राजा खड़े हुए धनुष के साथ, है ना, द्वारकाधीश, राइट। तो पूरा मूड बदल गया। तो भगवान के इस ट्रांजिशन में अक्रूर जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और अक्रूर जी की हम स्थिति देखेंगे, बहुत ही विशेष स्थिति। दिखने में वो कंस के दूत हैं, लेकिन हैं बहुत महान भक्त, बहुत महान भक्त है। उनका क्या मनोरथ, उनकी क्या अभिलाषाएं, बहुत आवश्यक है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जुहू में मॉर्निंग वॉक करके वापिस जा रहे थे, और गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठने वाले थे, एक भक्त भागते भागते आए, प्रभुपाद प्रभुपाद कृष्ण कॉन्शियसनेस में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? प्रभुपाद ने बोला डिजायर, इच्छा। और क्या के प्रभुपाद ने दरवाजा बंद कर दिया। यस, हमारी क्या अभिलाषाएं हैं, हमारा क्या मनोरथ है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी जीव बिना मनोरथ के नहीं रह सकता। तो आज हम चर्चा करेंगे, एक तरफ कंस है, एक तरफ अक्रूर है। कंस का भी मनोरथ है, कंस की अपनी योजनाएं हैं, उसकी अपनी अभिलाषाएं हैं, और कंस के पूरे प्लान में अक्रूर का अपना एक अपनी योजना है। बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही एक, जिसे कहते हैं, एक बहुत ही रुचि पैदा करने वाला, इंटरेस्टिंग ये प्रसंग है। और बहुत ही जो हम देखेंगे अक्रूर का जो मनोरथ है बहुत ही भक्तिमय है। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं भागवतम के दशम स्कंद के 36वें अध्याय का 16वां श्लोक। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा, आपके स्क्रीन पर श्रीमद् भागवतम आएगी हिंदी में, तो आप मेरे साथ श्लोकों का पाठ कर सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। ओके, तो ये है, देखते हैं, 16वां श्लोक है, राइट। अरिष्टे निहते दैत्य कृष्णान अद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शना। ठीक है, विभद्र गोसाई प्रभु जी आप इसका अनुवाद पढ़ेंगे, अनम्यूट करिए और अनुवाद पढ़िए। अद्भुत काम करने वाले श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध हो जाने पर नारद मुनि राजा कंस से बतलाने गए। देवी दृष्टि वाले इस शक्तिशाली मुनि ने राजा से इस प्रकार कहा। गुड, धन्यवाद धन्यवाद। अरिष्टे निहते दैत्य कृष्णान अद्भुत कर्मणा। जब अरिष्टासुर का भगवान ने वध किया, तो उसके बाद नारद मुनि जी कंस के पास गए। नारद मुनि जी आप जानते हैं, जब भी नारद मुनि जी आएंगे तो कोई ट्विस्ट आ जाएगा कहानी में, कोई जबरदस्त टर्न आ जाएगा। नारद मुनि सोचा कि भगवान तो ब्रज की लीला में बिल्कुल आनंद दे रहे हैं, लेकिन भगवान ने जब अवतार लिया तो देवताओं को वचन दिया था कि मैं असुरों का वध करूंगा, और भगवान ब्रज लीला में इतने खो गए, अब मुझे दोबारा से भगवान का कंस का वध कराना है, देवता लोग बहुत टेंशन में है। तो अब क्या किया नारद मुनि जी कंस के पास, अरिष्टे निहते दैत्य कृष्णान अद्भुत कर्मणा। सुखदेव गोस्वामी जी कृष्ण को अद्भुत कर्मणा कह रहे हैं, यानी कि जिनके कार्य बहुत अलौकिक हैं, हमारे मन बुद्धि और इंद्रियों से बिल्कुल परे हैं। अद्भुत कर्मणा, भगवान ने व्रज लीला में जितने महान बड़े बड़े असुरों का वध किया बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। अरिष्टासुर इतना भयानक असुर था, उसको पूंछ पकड़ के घुमा के फेंक दिया। इसके बाद केशी को भेजेंगे कंस, तो केशी के मुख में अपना बायां हाथ डाल दिया, उसका गला घोट दिया पूरा। ऐसे अद्भुत अद्भुत कर्म किए। और भगवान ने अभी आएंगे मथुरा में कौमल्या पीठ, उसी का उसकी दांत तोड़ के उसी दांतों से उसकी पिटाई कर देंगे। तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं किया। भगवान राम ने भी अस्त्रों का वध किया तो तीर कमान का उपयोग किया। नरसिंह भगवान भी आए, उन्होंने अपने नाखूनों से उपयोग किया। नहीं, कृष्ण ने तो खेलते खेलते ऐसे मारा, तो इसलिए उनको अद्भुत कर्मणा बोला। और एक दूसरा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान नारदो देव दर्शना। नारद मुनि को बोला भगवान है, बहुत ही महान संत हैं, और देव दर्शन, जिनकी दृष्टि देव तुल्य है। देव दर्शना के कई अर्थ बताए हमारे आचार्यों ने, यानी कि उनके दर्शन देव, यानी कि वो भगवान के दर्शन कर सकते थे, यानी कि वो भगवान के आने वाले भविष्य में लीलाओं के दर्शन कर रहे थे। कि अभी तो भगवान ब्रज में लीला कर रहे हैं, उस समय बाद मथुरा में आएंगे, फिर द्वारका में जाएंगे, सब लीलाएं देख रहे हैं। और वो दूसरा देव दर्शन का अर्थ है कि वो देवताओं के भी दर्शन कर रहे थे। देवताओं की स्थिति बहुत खराब थी, तो वो बेचारे बहुत पीड़ित थे कंस के अत्याचार से, उनके दर्शन भी कर पा रहे थे। तो इस प्रकार से जब नारद मुनि जी कंस के सभा में आए, तो उनसे कहा,
नारद मुनि जी की बड़ी विशेष स्थिति, श्रीमद भागवत में नारद मुनि को सुरासुर देह कहा गया है, यानी कि सुर और असुर दोनों नारद मुनि को पूजते हैं ना। जैसे हम शरद गोस्वामी अष्टकम में कहते हैं, धीरा धीर जना प्रिया प्रिया कर, धीरो धीरो सबके प्रिय होते हैं, और नारद मुनि भी सबको प्रिय थे। हालांकि वो देव ऋषि हैं और कंस देवताओं से बहुत क्रोध करता था, रोष रखता था, लेकिन देव ऋषि नारद होते हुए भी उनका सम्मान किया। तो ऐसा होगा जैसे नारद मुनि जी सभा में आए होंगे, कंस अपने सिंहासन से खड़े होंगे और सबको बोला चलो सब बाहर जाओ, प्राइवेट टॉक है, क्योंकि जब नारद मुनि आ रहे हैं तो कोई विशेष बात होगी, नारद मुनि ऐसे तो आएंगे नहीं। इससे पहले भी नारद मुनि कब मिले थे कंस से, कब मिले थे इससे पहले कंस से नारद मुनि, एनी आइडिया? हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ कब मिले थे बताइए माताजी। प्रभु जी जब ये कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, नहीं पहले देवकी और वसुदेव जी का फर्स्ट ये बर्थ हुआ था, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं मारूंगा, मेरा तो आठवें बच्चे का प्लान है मारने का, तो मैं पहले को क्यों मारूं। तो नारद जी आए थे और फल की टोकरी दी थी प्रभु जी, और कि इसमें कौन सा फल है वो आपको थोड़ी ना पता है कि कौन से मारने वाला है, एक से आठ यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो बिल्कुल तब भी कंस ने अंदर धन्यवाद बोला होगा नारद मुनि, कितने समझदार हैं आपने मेरी जान बचा ली। तो फिर बोले अब आगे फिर से आगे फिर से खबर, बहुत ही विशेष खबर लाए होंगे, बड़ी गोपनीय खबर होगी, सबको भेज दिया जाओ। अब नारद मुनि और मेरी कोई कॉन्फिडेंशियल बात हो रही है, बताओ नारद जी क्या कहना है। फिर नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि जी ने क्या कहा, अगले श्लोक में बताया गया है, श्लोक संख्या 17 है, इसमें यशोदया सुतां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च रामं चरोणि पुत्रं च वसुदेवं विभ्यता न्यसतौ स्वमित्रे निन्दन्ते वै याभ्यां ते पुरुषा हता। यस दयाचंद्र चैतन्य प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। नारद ने कंस से कहा, यशोदा की संतान वस्तुतः कन्या थी और कृष्ण देवकी का पुत्र है, यही नहीं राम रोहिणी का पुत्र है। वसुदेव ने डर कर कृष्ण तथा बलराम को अपने मित्र नंद महाराज के हाथों में सौंप दिया, और इन्हीं दोनों बालकों ने तुम्हारे आदमियों को मारा है। नारद बोला, कंस बताओ तुमने जो आठवें गर्भ की हत्या की, जो पुत्र जो एक लड़की की हत्या की, वो किसकी बेटी थी? ने बोला देवकी की। बोले नहीं मूर्ख, देवकी की नहीं, यशोदा की बेटी थी। मैं क्या कह रहे हो, और बात बताओ, अब ये तुम्हें मालूम है कृष्ण जो व्रज में है? हाँ हाँ हाँ, कृष्ण किसका बेटा है? बोले यशोदा का। अरे नहीं, वो भी देवकी का बेटा। अरे क्या, ऐसे कम से एकदम खड़ा हो गया। और बात बताता हूँ, ये बलराम, हाँ बलराम मालूम है किसका बेटा? अरे वो रोहिणी का बेटा। अरे नहीं, वो भी रोहिणी और देवकी दोनों का बेटा है। वसुदेव विपिता, और वसुदेव ने डर के न्यस्तो इन दोनों को स्वामित्रे अपने मित्र नंद के यहाँ पे रख दिया, और तुमने जितने भी भेजे ना पूतना आगासुर बकासुर सबकी हत्या इन दोनों ने की, एक के बाद एक, जिसे कहते हैं ना बम छोड़ दिया उन्होंने कंस के ऊपर। इतना बड़ा सस्पेंस खोल दिया उन्होंने कि जो आप सोच रहे थे कि आठवीं गर्भ जो कि मेरा वध करने वाला आया था वो तो लड़की थी, जब कंस ने देखा था कि अरे तो लड़की निकली, और ऊपर जाके देखो वो तो दुर्गा माँ है, तो बेचारा उसने सोचा देखो आजकल देवता लोग भी ना झूठी आकाशवाणी कर देते हैं, कलयुग में किसी का भरोसा नहीं है, कलयुग आने वाला है, देवता लोग भी झूठ बोलने लगे हैं। देवकी रोसुदेव के पास गया था, माफी मांग ली थी, बहन मैंने ऐसे बेफजूल तुम्हारे बच्चों को मार दिया, कोई जरूरत नहीं है, सब विधाता का वो था, मुझे क्षमा करो, जाओ तुम्हें छोड़ता हूँ, उसे छोड़ दिया था। अब मालूम चला कितना बड़ा धोखा किया है। नारद मुनि यही बोला, कंस मुझे तो ये चिंता है वसुदेव पे तुमने इतना विश्वास किया, और तुम जैसे सज्जन व्यक्ति के साथ वसुदेव ने इतना बड़ा धोखा किया, हद हो गई है। तो कंस को तो बुरा लगा, अरे अच्छा, और वो जो आठवां बालक था वो लड़का था, लड़की नहीं थी, इतना बड़ा धोखा कैसे, ये कैसे संभव हो सकता है? कंस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर नारद मुनि ने सारी कथा बताई, ये जो था छह कर्म जो तुमने मारे, सातवें में बलराम आया था, और योग माया की शक्ति से ये बलराम देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुआ, और आठवें स्वयं कृष्ण प्रकट हुआ था,
और कृष्ण ने वसुदेव को बोला कि मुझे ले जाओ नंद के यहाँ पे। बोले कैसे हो सकता है, नंद तो बेड़ियों में बंद था, वसुदेव बेड़ियों में बंद था। हाँ, सब बेड़ियां खुल गई, सब दरवाजे खुल गए, यमुना का पानी नीचे हो गया, बड़े आसानी से वसुदेव कृष्ण को ले गए नंद के व्रज में और इन दोनों भाइयों को वहां रख दिया। जान के उसने बोला न्यस्तौ, रख दिया, यानी कृष्ण बलराम दोनों को रखा। हालांकि उन्होंने खाली कृष्ण को रखा था, लेकिन नारद मुनि जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि चाहते थे कि कृष्ण के साथ बलराम भी मथुरा में आए, तो बिना बलराम के कृष्ण आएंगे नहीं। और नारद मुनि जी को यह भी मालूम था, बलराम जी भविष्य देख रहे थे, ब्रह्मा जी का उन्होंने पूरा, ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ था कि जो बलराम आएंगे वो मुश्रिक और कूट का वध करेंगे, तो बोले बलराम जी को तो आना जरूरी है, इसलिए कंस को बलराम के प्रति भी भड़का रही है। इन दोनों को वहां रखा हुआ है, सब कुछ हो गया था। और नारद मुनि अंदर ही अंदर ये संदेश दे रहे थे, वो विष्णु आ चुके हैं, वो तुम उसको जेल में बंद नहीं कर पाए वसुदेव को, तो तुम अपना वध कैसे रोक सकते हो, तुम्हारे सारे आदमियों को उसने मार दिया, इस ढंग से एकदम उकसा दिया, है ना, क्या हालत हुई होगी कंस की। कंस तो बहुत ही भड़क गया एकदम, और कंस ने बोला अच्छा ऐसी इतना दुस्साहस वसुदेव का, निशम्य तद भोजपति कोपात प्रचलित इंद्रिया निशातमासित निशातम असीम आदत वसुदेव जिघासया। प्रीतम साहब प्रभु आप पढ़ेंगे बस। हरे कृष्ण प्रभु, ये सुनकर भोजपति कुंद्र हो उठा और उसकी इंद्रिय उसके वश में नहीं रह पाई। उसने वासुदेव को मारने के लिए एक तेज तलवार उठा ली, सिरा ही नहीं गया। बोले ये क्या हो रहा है, और उसने तुरंत एक तलवार उठाई, बोले मैं अभी जाके उसका वध करता हूँ। नारद मुनि ने बोला अरे फिर तुम क्या कर रहे हो, वसुदेव को मारने से क्या होगा, वो तो पहले ही बहुत डरा हुआ है। तो उसने बोला आगे क्या बोला नारद मुनि ने, निवारतो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मना ज्ञात्वा लोहमहे पाशे मबन्ध सहभार्यया। सूरदास गौरांग प्रभु उसका अनुवाद पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किंतु नारद ने कंस को ये स्मरण दिलाते हुए रोका कि वसुदेव नहीं अपितु उसके दोनों पुत्र तुम्हारी मृत्यु के कारण बनेंगे। तब कंस ने वसुदेव तथा उसकी पत्नी को लोहे की जंजीरों में से बंधवा दिया। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। तो नारद मुनि ने कंस को रोका, भाई क्या वसुदेव को मारने से क्या लाभ होगा, वसुदेव को मारोगे तो और नुकसान होगा। बोले कैसे नुकसान होगा, उसने बड़ा धोखा दिया मुझे इतना। देखो अगर तुम वसुदेव को मार दोगे तो ये खबर नंद तक पहुंच जाएगी, जैसे ही नंद को पता चलेगा वो कृष्ण और बलराम को लेकर भाग जाएगा, उनसे छुपा देगा दोनों को और पूरा प्रशिक्षण देगा, खिलाएगा पिलाएगा, रिष्ट पुष्ट करके आएंगे दोनों भाई और अपने पिता की हत्या का बदला लेंगे, तुम्हारा वध कर देंगे। दोनों भाइयों का क्रोध भी बड़ा हुआ कि तुमने उनके पिताजी की हत्या की है, वैसे कैसे कर देगा, जहां भी वो जाएंगे उनको पकड़ के ढूंढ के उनका हत्या कर दूंगा। बोले कहां हत्या कर दोगे, अभी तक जितने आदमियों को भेजा सबको तो मार डाला उन्होंने, कैसे मार डालोगे, अब वो काम नहीं चलेगा तुम्हारा, आपको नई टेक्निक लगानी पड़ेगी। बोले क्या करना पड़ेगा, बोले ऐसा है अभी तक तुमने जितने भी लोगों को वहां पे भेजा, बड़े बड़े अपने साथियों को भेजा, सबका इन दो बालकों ने वध कर दिया। ठीक है, देखो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये उनका होम ग्राउंड है, होम पिच पे मत खेलो दो उनको, अपने यहाँ पे ले आओ, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि उनको मथुरा में बुला। कैसे, कोई ना कोई बहाना करके आप क्या करो, पहले तो देवकी और वसुदेव को बंद कर दो जेल में, है ना। ज्ञात्वा लोहमय पाशे बबंध सा भार्यया, वसुदेव को लाओ और लोहे की बड़ियों से उसको बांध दो भार्या के साथ, उनकी पत्नी देवकी के साथ। और जब कृष्ण बलराम को ये मालूम चलेगा कि माता पिता को बेड़ियों से बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया है, तो आएंगे और साथ ही साथ हमको यहाँ पे बुला, यहाँ तुम्हारा अपना कहते हैं ना होम पिच है, यहाँ बढ़िया तुम उसको मार सकते हो, तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, और इस ढंग से बुलाओ कि उनको संशय ना। अभी तक तुमने बड़े बड़े असुरों को भेजा, तो कृष्ण बलराम ने बड़ी आसानी से उनको मार दिया,
वहां के ब्रज की रज है, ब्रज में गोवर्धन है, यमुना है, सब कुछ उनके शक्ति के अनुकूल है। तुम ऐसा करो, उनको यहाँ के बुलाओ और यहाँ बुलाकर उनका वध करो। तो बात अब कंस को थोड़ी सी ठीक लगी, बिल्कुल बात ठीक है। कंस सोच रहा था कि नारद मुनि उनके हितैषी हैं। तो प्रतियाते तु देवऋषो कंस आभाष्य केशिनम प्रेषयामास हन्येताम भवता राम केशव। मंजू बाला जी आप पढ़ेंगे अनुवाद इसका, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए माता, पहले अपने आपको अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़ लीजिए, कौन पढ़ रहे हैं? प्रभु जी मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ पढ़िए, आप पढ़िए जी। प्रभु जी, नारद के चले जाने पर राजा कंस ने केशी को बुलाया और उसे आदेश दिया, जाओ राम तथा कृष्ण का वध करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। देखिए ये है असुरों की मानसिकता। जब तक नारद मुनि कंस के पास थे, नारद कंस सोचा था नारद मुनि बड़े हितैषी हैं, बड़ी अच्छी सलाह दे रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ और योजना ही बना। जैसे ही नारद मुनि चले गए, कंस ने केशी को बुलाया ना, केशी को बुलाया, बोले प्रेष्यामास हन्येताम भवताम राम केशव। बोला ऐसा करो कि आप जाओ और बलराम और केशव की हत्या करो। कंस ने क्या किया था, जब से कंस ने शासन ग्रहण किया था, पूरी पृथ्वी पे जितने बड़े बड़े असुर थे उन सबको अपने काबू में कर लिया और उन सबका उपयोग करता था वो। तो केशी उसके बिल्कुल कैद में था, उससे अपना काम करवाता था, एक प्रकार से केशी उसका दास था। लेकिन अब क्या बोल रहा है, भावता बड़े आदर पूर्वक बोल रहा कि आप जाइए, हालांकि कंस केशी का स्वामी है, बोला आप जाइए और राम और केशव, बलराम और केशव की हत्या कीजिए। बोला कि कंस इतना डरा हुआ था, उसने सोचा मैंने नारद मुनि के साथ अभी ये योजना बनाई है कि मैं कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाऊंगा और उनका वध करूंगा, अगर ये बात बाय चांस थोड़ी सी भी लीक हो गई, ये खबर नंद तक पहुंच गई, कृष्ण बलराम तक पहुंच गई, तो मेरी योजना शुरू होने से पहले कहीं दोनों भाई आकर मेरी हत्या ना कर दे, इतना डरा हुआ था। उसने बोला हालांकि नारद मुनि उसको मना किया था और नारद मुनि को कंस ने धन्यवाद दिया, बड़ा अच्छी योजना बताई है, फिर भी केशी को भेज देता। यानी कि कंस के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं था, ये सारे असुर जाए मरे जो मर्जी हो, ये असुरों की मानसिकता है। हर चीज को असुर लोग शोषण करते हैं, हर व्यक्ति का वो केवल अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। सारे सारे असुर स्वाहा, मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुरक्षित रहूं, क्या होगा एक असुर और खत्म हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, चांस लेने में क्या जाता है, शायद ही कृष्ण बलराम को मार दे तो मैं बच जाऊं, किसी को उसने भेज दिया। तो ये एक असुरों की मानसिकता। हम देखते हैं जब राम लीला में भगवान राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो क्या होता था, प्रतिदिन बहुत असुर मारे जाते थे और कुछ वानरों की भी हत्या होती थी। तो भगवान राम जिन जिन वानरों ने शरीर छोड़ा, भगवान राम स्वयं जाके उनका अंतिम संस्कार करते थे। ये भगवान राम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते थे उन सैनिक वानरों के लिए जिन्होंने राम की सेवा अपने शरीर को दिया, था भगवान का भाव। दूसरी तरफ रावण का भाव देखिए, रावण की सेवा में कई असुरों ने शरीर त्यागा, तो रावण की क्या मानसिकता होती थी, कहीं विरोधी दल ये देख ले कि हमने हमारे कितने असुर मारे गए, उनका उत्साह ना बढ़ जाए, तो वो क्या करता था, उनको ऑर्डर, अपने सैनिकों को ऑर्डर देता था, जितने भी असुर मारे गए सबको उठा के समुद्र में फेंक दो, बस कुछ लेना देना नहीं, यूज एंड थ्रो, ये आसुरी मानसिकता है, यूज एंड। पर आज के कलयुग में देखते हैं अधिकांशता हम सब के अंदर ये मानसिकता आती जा रही है, यूज एंड थ्रो, यूज करो थ्रो करो, माता पिता बूढ़े हो गए थ्रो, हर काम, क्योंकि क्या है, हर चीज इंस्टेंट है, हम लोग इतनी मशीनों का उपयोग करते हैं, मशीन खराब हुई फेंको नई मशीन, ये सी चीज करते करते जब मनुष्यों के साथ भी हम डीलिंग करते हैं, यूज एंड थ्रो। हर व्यक्ति को ये देखते हैं मेरे काम का है कि नहीं, मेरे काम का है तो उससे कुछ बातचीत करेंगे, उसको आप करके बुला रहा है केशी को, आप ऐसा करिए जाइए, उसको मालूम है आएगा नहीं वापस, इसको मरवाने भिजवा रहा है, शायद मेरी रक्षा हो जाए, बाय चांस इतना डरा हुआ है शायद ये मार दे कृष्ण बलराम को, चलो आप जाओ, जाओ स्वाहा हो जाओ, जाओ हत्या करो। तो ये है
उनकी मानसिकता। जैसे ही नारद मुनि गए तभी बुलाया, नारद मुनि को होते हुए नहीं बुलाया, नारद मुनि भी बोला ठीक है जो आप कह रहे हैं वही करूँ। बोले एक एक बार क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी भेज देता हूँ, मार दिया तो भी अच्छा है, तो मर जाएगा कोई बात, इसको मार रहे तो ये असुरों की मानसिकता है। तो केशी को बुलाने के बाद उसको तो भेज दिया, अब देखिए आगे क्या करता है। अब इतना वो है, ततो मुष्टिक चारुण श्लोतो शरकादिकान अमत्यान हंसते पाश्च चैव समाहो याह भो जराट दराल। तो हुआ पढ़ेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके बाद भोजराज ने मुष्टिक चानूर सल तोसल इत्यादि अपने मंत्रियों तथा अपने महावतों को भी बुलाया, राजा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। आप कंस ने सारे अपने मंत्रियों को बुला लिया, इमरजेंसी हो गई भैया, कंस को लग रहा है अब तो मैं मरने वाला हूं। कंस के अंदर बहुत भय था, देखिए कंस के अंदर द्वेष था लेकिन द्वेष से ज्यादा कंस के अंदर भय था। शिशुपाल, शिशुपाल के अंदर द्वेष ज्यादा था और भय कम था। पूरे राजसूय यज्ञ में सबके सामने शिशुपाल गालियां दे रहे कृष्ण को, उसके अंदर भय नहीं था लेकिन द्वेष से भरा हुआ था। कंस के अंदर भी द्वेष था लेकिन भय बहुत ज्यादा था अपनी मृत्यु का। तो उसने क्या किया, ऐसी इमरजेंसी हो गई, आप सारे मंत्रियों को बुला लिया और सब मंत्रियों को बुला के उसने मीटिंग की, है ना, क्या बुलाया सबको, सबने बोला भी क्या हो गया, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई। बोल रहे हैं भो भो निशम्याता ते वीर चारुण मुष्टिको नंदर्वजे किलासाते सुत्वानान कदंदुभे राम कृष्ण ततो महियम मृत्यु किला निर्देशिता भवद्भ्यामिह संप्राप्तो हन्येताम मललीलया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे वीरो चाणूर तथा मुष्टिक यह सुन लो, आनंद अनक दुदुम्भी वसुदेव के पुत्र राम तथा कृष्ण नंद के व्रज में रह रहे हैं। यह भविष्यवाणी हुई है कि ये दोनों बालक मेरे मृत्यु के कारण होंगे। जब वे यहाँ लाए जाए तो तुम उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना। तो अब देखिए चानूर और मुष्टिक को बुला लिया, बोले अब बोले उनको उत्साहित करें, मेरे वीरो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन सज्जनों भक्तों माताजी प्रभु जी लोगों, है ना, ऐसे सबको बुला लिया। बोले मेरे वीरो चानूर और मुष्टिक को सुनो, आनक दंदुभी के पुत्र, आनक दंदुभी वसुदेव जी का नाम आनक दंदुभी है। कोई जानता है वसुदेव का नाम आनक दंदुभी क्यों पड़ा था, हमें से कोई जानता है? प्रभु जी जब उनका जन्म हुआ था तो ये सब वादे बजे थे, देवताओं ने वादे बजाए, जब उनका जन्म हुआ था ये वादे बजे थे, देवताओं ने ये वादे बजाए। जब कृष्ण जब वसुदेव का जन्म हुआ था तो पूरे देवता लोगों ने बहुत तरह तरह के सुंदर संगीत में वाद्य यंत्र बजाए थे, तो उनका नाम आनक दंदुभी है। यानी कि उन्होंने घोषणा की थी देवताओं ने कि जो वसुदेव जी हैं इनका जन्म बहुत ही महान है, इनको हमेशा सफलता प्राप्त होगी। और कोई भी कंस ने उनको बेड़ियों से बंद रखा, बेड़ियों में बंद होते हुए भी सब बेड़ियां खुल गई, सब जेल के दरवाजे खुल गए, यमुना का पानी नीचे हो गया, कृष्ण स्वयं उनके घर में प्रकट हुए, तो उनका जन्म कितना महान है। और देखिए माता सरस्वती कंस की जीवा पे आके अब कंस एक प्रकार से वसुदेव का गुणगान ही कर रहा है आनंद दंदुभी। और देखिए हरीशोरी जी जो टीकाकार हैं उन्हें बोले कि नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त से जब उसने कृष्ण के विषय में सुना तो कंस के अंदर भी इच्छा प्रकट होगी कि मैं कृष्ण के दर्शन करूं, और अब उसके मुख से राम और कृष्ण का नाम निकल रहा है। बोल रहे हैं कि आनंद दंदुभी के पुत्र राम और कृष्ण ये नंद में ब्रज कर रहे हैं, और मई हयम मृत्यु किला निर्देशिता, मुझे सूचित किया गया है नारद मुनि के द्वारा कि इन दोनों के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। जैसे ये सुना चामर और मुष्टिक ने खड़े हो गए, महाराज आपकी मृत्यु के कारण बनेंगे, हम अभी जाते हैं उनकी हत्या कर देते हैं, उनका ऐसा दुस्साहस कि आपकी मृत्यु करे,
अभी आके हमको खत्म कर लेते हैं, क्योंकि असुर थे, वो अपनी शक्ति में बड़ा बल था, बड़ा विश्वास था। कंस ने बोला, नहीं तुम जाओगे तुम भी वापस नहीं आओगे, मत जाओ तुम, है ना। क्योंकि पुराणों में कथा आती है कि एक बार गरुड़ जी ने शिव जी के गले में एक सांप था, और गरुड़ जी ने देखा कि वो सांप शिव गरुड़ जी को देखकर गुस्से से घुर्रा रहा है। गरुड़ जी ने कहा, अरे वाह क्या बात है, वासुकी मुझसे डरता है और एक छोटा सा सांप मुझ पे घुर्रा रहा है। गरुड़ जी ने बोला, हाँ समझ गया ये क्यों घुर्रा रहा है। बोले स्थानम प्रधानम बलम ना प्रधान, है ना, कि ये जो स्थान प्रधान होता है बल प्रधान नहीं होता, क्योंकि ये सांप को इतना उत्साह कैसे आ गया कि मुझको देखकर गुर्रा रहा है, क्योंकि शिव जी के गले पे, शंकर के गले पे है, तो अब ये बहुत गुर्रा रहा है। देखा कि शिव जी के गले पे नहीं होता तो इसकी हिम्मत ना होती मुझसे गुर्राता, डर के भाग गया था। इसलिए स्थान का बहुत प्रभाव होता है। जैसे हम देखते हैं जो गजेंद्र हाथी को उस घड़ियाल ने हरा दिया, 1000 वर्ष तक का युद्ध चलता रहा क्योंकि वो पानी में था, वही घड़ियाल जमीन पे आ जाएगा कुत्ते उसको नोच के खा जाएंगे। इसी प्रकार से देखते हैं जो हम बंदूक में कारतूस होते हैं, किसी कारतूस को लेकर किसी पे फेंकोगे तो उस पर बल थोड़ी होगा, लेकिन बंदूक के अंदर से उसको शूट करेंगे किसी की हत्या कर देंगे। तो किस स्थान पे कोई व्यक्ति है उसका ज्यादा महत्व, तो उससे उसको बल प्राप्त होता है। हम लोग बहुत कृपा है कि हम परम शिला प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि हम लोग इस्कॉन संस्था में है। जब तक हम इस्कॉन संस्था में हैं, हमारे पास पूरी गुरु परंपरा की शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं, सारी गुरु परंपरा की शक्ति हमारे पीछे है। किसी व्यक्ति को अपने अपने वचनों के मैं कितना मुझ में कौशल है, ऐसे कई लोग होते हैं कहते मैं तो बहुत बड़ा प्रचारक बन गया, मुझे इस्कॉन की आवश्यकता नहीं है, वो इस्कॉन से बाहर होते हैं, सारी शक्ति खत्म। तो जिस स्थान पे हम हैं वहां से हमें बल प्राप्त होता है। तो कंस समझा रहा था चाणूर्मुष्टिक को, आप मत जाओ उस स्थान पे, जाके हमारा बल खत्म हो जाएगा, हमारा बल है हम मथुरा में रहें। और जब वो राम और केशव, कृष्ण और बलराम जब यहाँ पे आएंगे तो उनका बल कम हो जाएगा, तो फिर हम उनकी हत्या कर देंगे। और इस बार हमने उनकी हत्या इस ढंग से करनी है कि उनको शंका भी ना, हम क्या करेंगे, मल्ल लीला कुश्ती का खेल करेंगे। तुम लोग तो कुश्ती पहलवान हो, कुश्ती में आराम से हरा दोगे, कुश्ती की लीला करके उनको हम आमंत्रण करते हैं और फिर हम उनको हराएंगे। बोले कुश्ती की लीला कैसे, मतलब कि ऐसे कैसे कुश्ती की लीला कैसे हो जाएगा, रेसलिंग मैच कैसे शुरू हो जाएगा। तो बोले ऐसे होगा, मंचाक्रियता विवधा मल्ल रंग परिशता पौरा जानपदा सर्वे पश्यंतु स्वैर संयुगम उपानंद ब्रजवासी प्रभु जी पढ़ गया, बहुत सुंदर नाम है आपका उपानंद ब्रजवासी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। तुम कुश्ती का अखाड़ा रंगभूमि तैयार करो, जिसके चारों ओर देखने के अनेक मंच हो और नगर तथा अनपदों के सारे निवासियों का इस खुली प्रतियोगिता देखने के लिए ले आओ। तो वो सोच रहा था कृष्ण और बलराम, अभी भी कंस को अपनी बुद्धि में बहुत विश्वास था। अरे कृष्ण बलराम गांव के बच्चे हैं, बोले आज बड़ा सा इनको मूर्ख बनाने के लिए बहुत बड़ा मंच और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग होंगे, ताकि अलग अलग कैटेगरीज के लोग अलग अलग मंचों में बैठे होंगे। जैसे हम भी कोई बहुत बड़ा पंडाल लगाते हैं, सामने सोफाज होते हैं, उसमें VIPs बैठते हैं, फिर कुछ अच्छी कुर्सियां होती हैं, फिर जनसाधारण बैठती है। तो इस ढंग से अलग अलग मंच होंगे, अलग अलग कैटेगरी के लोग बैठेंगे और सबको इनवाइट करेंगे, खुली प्रतियोगिता होगी, ओपन मैच होगा। तो इसलिए उनको उनको संशय नहीं होगी कि उनको मारने के लिए बुलाया जा रहा है। बोले फिर भी और क्या करेंगे, फिर बोले उसके बाद उसने क्या किया, महामात्र त्वया भद्र रंग द्वारा पिनियता विपह कुवल्या पीड़ो जही तेना ममाहितो। दयाल चेतन ने प्रभु एडमिट कीजिए, दयाल चेतन दीनदयाल गौर बहु आप कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण,
हे महावत मेरे अच्छे आदमी, तुम अपने हाथी को पीठ को अखाड़े के प्रवेश द्वार पर खड़ा करना और उसके द्वारा मेरे दोनों शत्रुओं को मार डालना। हरे कृष्ण। बोले फिर उसने महावत को भी बुलाया, अरे भाई भद्र व्यक्ति सबको, अब कंस इतना डरा हुआ है, चाहता कोई मुझसे रुष्ट ना हो जाए, सबको मक्खन लगा रहा है, मस्करी कर रहा है सबकी, है ना, चांगरू मुस्टिक बोल रहा है हे वीरो, है ना, केशी को बोल रहा है आप प्लीज जाइए उसका वध करके आइए, महावत को बोल रहा है हे भद्र व्यक्ति बड़े अच्छे हो आप, क्या करो आप, ऐसा करो कोवल्या पीड़ को उस हाथी को अखाड़े के प्रवेश द्वार पर खड़ा कर देना और जैसे वो आए मेरे दोनों एक कृष्ण बलराम उनका वध कर देना। तो कंस की क्या प्लानिंग थी, पहले तो केशी को भेजा, उसका मतलब केशी कुछ कर तो पाएगा नहीं, चलो कोई बात नहीं मार दिया तो कोई बात नहीं, वहां से अगर कृष्ण बलराम बच के आएंगे तो कोवल्या पीड़ हाथी है वो उनको मार देगा, अगर मार भी नहीं पाया कोवल्या पीड़ से कृष्ण बलराम युद्ध करेंगे तो थक जाएंगे और थक कर आएंगे कुश्ती करने, चानू मुष्टि के पास एडवांटेज होगा, आसानी से उसको मार देगा, ये पूरी उसकी योजना चल रही है। तो बोले अब ऐसा कर लो, ठीक है। तो अब उसने बोला कि कैसे, लेकिन कोई ओकेजन तो होना चाहिए, अचानक आपने कॉम्पिटिशन रेसलिंग मैच आप क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बोले आरभ्य ताम धनुर्योग चतुर्दशायाम यथा विधि विशसंतु पशु ने ध्यान भूत राजाय वीडुषे। दीप्ति शर्मा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए वैदिक आदेशों के अनुसार। मैं श्लोक पढ़ लिया, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण बाबा, वैदिक आदेशों के अनुसार चतुर्दशी दिन धनुष यज्ञ आरंभ किया जाए। वरदानी भगवान शिव को पशु में उपयुक्त प्रकार के पशु भेद किए जाए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि धनुर्युग प्रारंभ कर दो, है ना, धनुर्यज्ञ करेंगे और चतुर्दशी के दिन क्या होगा, भूतेश्वर महाप्रभु, है ना, आप जानते हैं कि मथुरा में भूतेश्वर है शिव जी, क्षेत्रपाल, ब्रज में अलग अलग क्षेत्रों में चारों दिशाओं में शिव जी क्षेत्रपाल ब्रज की रक्षा करते हैं, है ना, और कंस है उसने बोला कि शिव जी की पूजा के लिए एक धनु यज्ञ करेंगे, कोई मुहूर्त नहीं निकाला, कोई कुछ नहीं, चतुर्दशी, देखिए जिस दिन अरुष्टासुर का वध हुआ वो एकादशी, जब जैसे नारद मुनि कंस के पास आए थे, नारद मुनि जब कंस के पास आए तो एकादशी का दिन था, ये सारी मीटिंग एकादशी के दिन होगी, ओके, और चतुर्दशी के दिन कहते हैं कि हम धनु यज्ञ करेंगे, तो दो तीन दिन हैं तब तक ये कृष्ण बलराम आ जाएंगे, तो किस लिए, भूतेश्वर महादेव की प्रसन्नता के लिए, उस दिन शिवरात्रि भी होगी, तो शिवरात्रि से पहले की जो एकादशी या फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, ये तब की कथा चल रही है, ओके, तो बोले इस ढंग से कर लेंगे। तो जैसे भगवान गीता में कहते हैं जो असुर लोग होते हैं यज्ञ भी करते हैं तो दंभ पूर्वक करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, यज्ञ का मतलब है यज्ञ भाई विष्णु, यज्ञ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, लेकिन यहाँ कंस इतना बड़ा असुर है कि यज्ञ का आयोजन कर रहा है कृष्ण को मरवाने के लिए। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं कंस का मनोरथ चर्चा कर रहे हैं, तो उसने बोला ठीक है ऐसा करेंगे, इस प्रकार से चानुर मुष्टि को भी उसने बुला लिया, केशी को बुला के भेज दिया, महावत को भी उसकी तैयार कर दिया, अब देखिए अब उसकी योजना देखिए, अब कंस क्या करता है, इति आज्ञाप्य अर्थतंत्र आहूय यदुपंगवम गृहीत्वा पाणिना पाणिन ततो अक्रूरम उवाचः। नीलांबरी राधा माता जी पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण बाबा, अपने मंत्रियों को इस तरह आदेश दे चुकने के बाद कंस ने चतुर्थ अंकुर को बुलवाया। कंस निजी लाभ निकालने की कला जानता था, अंत अंकुर के हाथों को अपने हाथ में लेकर वह अपने इस प्रकार बोला। कंस देखिए कितना डिप्लोमेसी दिखा रहा है, चानुर मुष्टि को बुला लिया, महावत को बुला लिया, केशी को भेज दिया, अभी उसको बारे योजना पूरी नहीं हुई ना,
अब उसने अक्रूर जी को बुलाया, है ना। तो ये कंस का मनोरथ आप देखिए, तो बोले अब उन्होंने क्या किया, अपने मंत्रियों को आदेश दे चुकने के बाद कंस ने यदु पोंगवम अक्रूर जी को बुलाया और उनके हाथों को हाथ पकड़ के बड़े ही प्रेम के साथ, जैसे बहुत घनिष्ठ मित्रता हो, अपने हृदय की बात उनसे कहने जा रहा हूं, इस प्रकार बोला। तो अब अक्रूर जी की बड़ी विशेष स्थिति थी। जब कंस ने शासन करना शुरू किया तो यदुओं ने तीन प्रकार के ग्रुप बन गए। कुछ तो यदुओं को कंस ने इतना पीड़ित किया इनको जेल में डाल दिया, और कुछ यदु कंस के भय से भाग गए, और जो कुछ तीसरी श्रेणी के यदु थे वो अक्रूर जैसे थे। अक्रूर जी कंस के पास आ गए, तो दिखने में ऐसा लग रहा था कि अक्रूर कंस के प्रति बड़े वफादार हैं, कंस की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अक्रूर जी ने बड़े सोच समझ के ये निर्णय लिया। अक्रूर जी का क्या मनोरथ था? अक्रूर जी का ये मनोरथ था कि उनको मालूम था, वो कृष्ण कथा सुनते थे, उनको मालूम था कि कृष्ण व्रज में ही है, तो व्रज से ज्यादा वो दूर जाना नहीं चाहते। उनको पूरा आशा थी कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं कृष्ण के दर्शन कर पाऊंगा, ये कहते हैं आशावाद। हालांकि उनको मालूम है कंस बहुत क्रूर, बहुत ही क्रूर शासक है, लेकिन बोले मैं व्रज के पास ही रहूंगा, व्रज से दूर चला जाऊंगा तो कृष्ण के दर्शन करना मेरे दुर्लभ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने आप को व्रज में ही रखा। और बोले कोई बात नहीं, दिखावे के लिए इस कंस की नौकरी भी करनी पड़ी तो मैं कंस की नौकरी भी करूँ। ये तो उनका पहला मुख्य मनोरथ था। दूसरा, अक्रूर जी ने सोचा ये जो कंस है ना, ये जो असुर है, ये इसकी स्थिति हमारे मन की तरह है, रूपाचा बड्डे है ना, हमारे मन में दो मुख्य क्या, ये मन अबे 2 अगस्त प्रभावित भी हो जाता है और बहुत जल्दी प्रभावित। हरे कृष्णा, आप किसका म्यूट कर लेंगे अच्छा रहेगा, इसका खुला हुआ है माइक, पप्पा तो माला माहिती नसेल काय, तो कंस ने अक्रूर जी ने सोचा कि अक्रूर जी ने सोचा कि जो कंस है हमारे मन की तरह है। प्रभु जी आपको ही म्यूट करना पड़ेगा, C83 करके कोई तो है वो अनम्यूट। म्यूट ऑल कर दीजिए प्रभु जी, आप म्यूट ऑल कर दीजिए तो सारे म्यूट हो जाएंगे। पार्टिसिपेंट्स को खोल के देखिए, थैंक यू। सो जितने भी इस कृष्ण लीला में हम देखते हैं असुर जन है, उन सब में हम देखते हैं उनकी स्थिति हमारे मन की तरह है। हमारा मन बहुत आसानी से बाहर की वस्तुओं से प्रभावित भी हो जाता है, और जो मन है किसी को प्रभावित भी बहुत जल्दी कर देता है। हम अपने अपने जीवन में भी देखते हैं, कई बार मन में ऐसा विचार आता है तो वो हमें बहुत ऐसा फोर्सफुल विचार देगा कि यही ठीक है अभी करो। जब विशेषकर हम जप कर रहे होते हैं तो ऐसा विचार आता है, अरे जब तो कभी भी कर लेना, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, पहले इस विचार को देखो, तो हमारा सारा ध्यान वहां चला जाता है, मन बहुत फोर्सफुल हमें इन्फ्लुएंस कर देता है। और दूसरा, जब मन को एडवर्टाइजमेंट देखता है, कोई दूसरा व्यक्ति हमें प्रभावित करना चाहता है तो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो कंस भी ऐसा ही था, कंस के अंदर शक्ति थी दूसरे को कन्विंस करने की भी, और कंस बहुत फ्लिकरिंग माइंड का, उसका उसका अपने विचार ही बदलते रहते। जैसे शुरू जब पहले देवकी से इतना प्रेम करता था, जब उसने आकाशवाणी सुनी तो देवकी को मारने को तैयार हो गया, फिर वसुदेव ने उसको बताया ठीक है मैं अपने हर संतान को दे दूंगा, फिर उसने अपना मन बदल दिया। फिर जब पहली संतान को देखा बोले छोड़ दो, दया आ गई, छोड़ देता हूं। फिर उसके साथियों ने समझाया नहीं नहीं नहीं, नारद मुनि ने भी समझाया ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर से वापस उन्होंने पहली संतान की हत्या कर दी, जेल में डाल दिया।
उसका माइंड फ्लिकर करता है। कृष्णा प्रभु जी, गुरु जी ने सोचा कि भविष्य में प्रभु जी अभी भी डिस्टर्बेंस है, प्रभु जी अभी भी डिस्टर्बेंस है, बीच में सुनाई नहीं दे रहा, काफी डिस्टर्बेंस है प्रभु जी। ठीक है, अभी मैं म्यूट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आई थिंक एवरीवन इज म्यूट। अभी आवाज आ रही है, क्लियर है? ओके हाँ, तो इसलिए अक्रूर जी ने सोचा कि कभी मैं कंस को शायद प्रभावित कर पाऊं, ऐसा मौका आ जाए। तो अब वो मौका आ गया, तो अक्रूर जी को बुलाया उन्होंने। और हालांकि कंस को ऐसा नहीं था कि अक्रूर जी में बहुत विश्वास था, कंस ने सोचा मैं अक्रूर को बुला के ये चांस लेता हूँ, अगर मैं अक्रूर जी को बोलूंगा जाओ मथुरा में वृंदावन जाके कृष्ण बलराम को मथुरा ले आओ, अगर वो मेरी आज्ञा का मान लेते हैं उसका मतलब वो मेरे प्रति वफादार है, और अगर वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा इसका मतलब ये भी शत्रुओं से मिला हुआ और इसकी भी हत्या कर दिखाने में। लेकिन क्योंकि इस समय कंस बहुत डरा हुआ है तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अर्थ तंत्र है ना, स्वार्थ जानता था कंस कि अपना काम कैसे निकलवाता है, धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता था, बस केवल उसको ये मालूम था अपना काम कैसे निकलवाना है, अपना काम निकलवाना है तो अक्रूर जी से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे बहुत ही उनके प्रिय मित्र हूँ, हाथ पकड़ के और उनको अपने साथ दे गया। उनसे उसने इस प्रकार बोला, क्या बोला, बोले हे सर्वश्रेष्ठ दानी अक्रूर, आप आदर के साथ मुझ पर मित्रोचित अनुग्रह करिए, भोज और विष्णु में आपसे बढ़कर कोई अन्य हम पर कृपालु नहीं है। बड़ा आदर दे रहा, हे सर्वश्रेष्ठ, हे दानी अक्रूर। अक्रूर जी को बहुत दानी बताया जाता है ना, श्रीधर स्वामी जी अपने टीका बताते हैं कि अक्रूर जी के हस्तलेखाओं में दान देने की बहुत बड़ी निर्णायक थी। अक्रूर जी के पास जब समयंतक मणि भी आती है, हम जाने के बाद में, तो समयंतक मणि लेके वो वाराणसी गए थे, और उस समयंतक मणि से वो अपने धन का कोई भोग नहीं कर रहे थे, बहुत दान कर रहे थे। उन्होंने तो बोला आप तो बहुत दान देते हैं, मुझे जीवन दान दीजिए, मैं आपसे जीवन दान की भीख मांगता हूँ, आपसे बढ़कर और कोई हम पे कृपालु नहीं है। तो अक्रूर जी ने कहा कि आप मेरे से दान मांग रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है ना। बोले अतः त्वाम आश्रिता सौम्य कार्य गौरव साधनम यथेन्द्र विष्णु आश्रित्य स्वार्थ मध्यगम आप विभो। वो बोल रहे हैं हे भद्र अक्रूर, आप सदैव अपना कर्तव्य गंभीरता पूर्वक करने वाले हैं, अतः मैं आप पर आश्रित हूं। जिस प्रकार में इंद्र अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करते थे। देखिए कंस की क्या मानसिकता है। अक्रूर जी ने कहा कि आप मेरी शरण लेंगे, आप राजा हैं, मैं तो आपका छोटा सा एक मंत्री हूँ, मेरी शरण आप कैसे लेंगे। बोले आपके पास सारी शक्तियां, अपना कार्य खुद कर सकते हैं, अपना मनोरथ खुद पूरा कर सकते हैं। बोले नहीं, वो बात तो ठीक है, कई बारी शरण लेनी पड़ती है, बड़े व्यक्ति को भी छोटे व्यक्ति की शरण लेनी पड़ती है। क्या उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से विभु इंद्र प्रकार में इंद्र ने विष्णु की शरण, उस असुर की नजर में विष्णु की स्थिति इंद्र से छोटी है। उपेंद्र भगवान वामन देव इंद्र के छोटे भाई हैं, तो उन्होंने बोला वो छोटे भाई हैं, वो मुख्य तो इंद्र है, तो इंद्र को विभु बता रहा है कि इंद्र ने जिस प्रकार से विष्णु की शरण ली है, इंद्र महान होते हुए भी उनको विष्णु की शरण लेनी पड़ी, इसी प्रकार से हालांकि मैं राजा हूं, मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन मुझे आपकी शरण लेनी पड़ रही है। इस प्रकार से ये यहाँ पर अक्रूर जी से कहा, और फिर आगे जाके वो अपने बोले फिर ठीक है, क्या मिशन है, तो फिर आपको बताएंगे कि आप वहां पर जाइए, नंदगांव जाइए
और वहां पे अनंग दंडुपे के दो पुत्र रह रहे हैं और उनको बिना किसी विलंब के इस रथ पे चढ़ाकर ले आए। उसके बाद क्या वो चर्चा करते हैं इसके बारे में चर्चा कल करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। आज हमने इस प्रकार चर्चा की कि किस प्रकार से अक्रूर जी हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन में मनोरथ का बहुत महत्व है, किस प्रकार की हम इच्छा रखते हैं और कंस जैसे असुर की क्या मानसिकता है और कैसे उसने कितना वो डरा हुआ था और फिर उन्हें अक्रूर जी को बुलाया और फिर वो अक्रूर जी से अपने मनोरथ को बताएगा और फिर अक्रूर जी के हृदय में जो मनोरथ है उसकी हमने आज कुछ चर्चा की और फिर कल और चर्चा करेंगे आने वाले चार दिनों में, किस प्रकार से अक्रूर जी जब व्रज में जाते हैं उनका क्या मनोरथ रहता है और कैसे भगवान उनके सारे मनोरथों को पूरा करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है? यस मोना माता जी, आपका कोई प्रश्न है? मैं हाथ खड़ा किया। मोना मेहता जी प्रश्न पूछ सकते हैं माता जी, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्रश्न, अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्णा। आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको अलाउ कर दिया। मोना मेहता। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये 16वें वर्स में जो है भगवान नारद जी को भगवान कहा, तो भगवान कहने का एक रीजन तो ये होता है कि वो उनमें ये शक्ति होती है कि वो भगवान के मिशन को पूरा करें। प्रभु जी और भी रीजन होते हैं कि नारद जी को भगवान कहा गया है? हाँ, श्रीमद् भागवतम में नारद जी को, सुखदेव को, स्वामी जी को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को कई जगह भगवान संबोधित किया गया है। इसका एक कारण तो ये होता है कि वो भगवान के मिशन को पूरा करते हैं। दूसरा, ऐसे साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र जो भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि हैं वो भगवान के ही समान हैं। तीसरा, क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये अपने हृदय में भगवान को रखते हैं। जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, भगवान का अर्थ है जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, जो शुद्ध भक्त हमेशा अपने हृदय में भगवान को रखते हैं तो वो भी भगवान कहलाते हैं। फिर भगवान का मतलब अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत महान व्यक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज का लेक्चर के लिए। प्रभु जी मुझे एक कंफ्यूजन था कि जैसे अक्रूर जी जो हैं तो भगवान के साथ उनका क्या संबंध था, भगवान को अंकल मतलब चाचा जी लगते थे या प्रभु जी थोड़ा क्या संबंध था वो मैं भूल गया हूँ अभी। अक्रूर जी का वैसे दास्य रस में उनका प्रेम था, भगवान से दास्य रस में थे और वैसे भी यदुवंशी थे, भगवान भी उसी वंश में थे तो चाचा कह के पुकारते थे उनको। तो वैसे वो भगवान के साथ उनका जो संबंध था वो दास्य भाव में था। थैंक यू। और एक दूसरा डाउट था प्रभु जी कि जैसे कंस उस समय के सारे असुरों को जीत चुका था और सारे असुर कंस के अधीन रहते थे, फिर भी कंस को अपने पे भरोसा ना हो करके उन असुरों को क्यों ज्यादा भरोसा था, जो वो खुद से जा करके भगवान के साथ युद्ध करने का प्रयास क्यों नहीं किया था, सारे असुरों को पहले भेज रहा था? बहुत डरता था कंस, बहुत ज्यादा डरता था। उसको जहां देखते थे कृष्ण का दर्शन हो रहा था, इतना डरा हुआ था वो कंस को। उसको कृष्ण मतलब मृत्यु, तो मृत्यु के पास ही नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब नारद मुनि ने ऐसा खेल खेला कि वो मृत्यु को ही अपने पास बुला रहा है। बहुत डरता था, इसीलिए बोलता कोई और जाके मार दे, मैं वो मृत्यु का सामना नहीं कर सकता, बहुत डरता था मृत्यु से। थैंक यू ब्रोजी, थैंक यू सो मच। यस गुंजन जी। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि नारद मुनि बहुत ज्यादा शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो
प्रभु जी फिर वो कंस के पास को जाते हैं, उसका क्या रीजन है? हाँ, कंस के पास जाते हैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। देवताओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, यदुओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, और कृष्ण को अभी जाके क्या करेंगे, इसके बाद नारद मुनि जी कृष्ण के पास जाते हैं जिसकी हम चर्चा कल करेंगे, और कृष्ण को बताते हैं कि आप चलिए, आप वापिस जाना है आपको मथुरा चलिए। तो संग से उनको लीला को आगे बढ़ाना है, सूत्रधार है नारद मुनि जी, जहाँ लीला में आगे कुछ रुकावट आ जाती है तो नारद मुनि जी आते हैं। इसलिए नारद मुनि बोला कंस को, देवकी और वसुदेव को जेल में डाल, फिर बोला ये कैसे भक्त हैं, दूसरे भक्तों को जेल में डलवा रहे हैं, आप पर अत्याचार करवा रहे हैं। नहीं, खाली दो दिन के डलवाना था, दो दिन के बाद तो कंस की मृत्यु हो ही जाएगी। जब कंस की मृत्यु हो जाएगी, देवकी और वसुदेव जेल से बाहर आएंगे, तो देवकी वसुदेव नारद मुनि जी को ही धन्यवाद देंगे कि आपकी कृपा से हमें हमारा पुत्र कृष्ण प्राप्त हो। तो भगवान की लीलाओं में सहयोग देने के लिए ही नारद मुनि आए। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दीप्ति शर्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन नहीं है, मुझे पूछना था, जैसे कि ना इसका जो शीर्षक था अक्रूर मनोरथ, बहुत ही प्यारा है, मतलब इसमें ना उनसे हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए? शुरू है माता जी। हाँ, लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है मनोरथ, यानी कि उनको वो भी अपने हृदय में, मतलब जैसे वो है ना वृंदावन से, मतलब श्रीधाम वृंदावन से मथुरा लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वो अपने हृदय में जैसे जगन्नाथ यात्रा में होते उसी तरीके से वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी वो जाएंगे, आगे रास्ते में कल्पना करेंगे, सोचेंगे कैसे मैं भगवान के दर्शन करूंगा, भगवान मुझे कैसे छुएंगे, मेरा आलिंगन करेंगे, मुझसे बातचीत करेंगे, बहुत सुंदर उनकी भावनाएं हैं, वो सब आगे आने में। बहुत प्यारा है ये वाला चीज। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं? मैं एक प्रश्न, जो कोई आदमी बोलता है कि मैं भगवान हूं, लेकिन उसका कैसे चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है? दोबारा बोलेंगे। जो कोई आदमी बोलता है कि भगवान, मैं भगवान हूँ, लेकिन उसका कैसे प्रमाणित करना है वो भगवान है? सॉरी, मैं वो प्रश्न समझ नहीं पाया, आपकी आवाज बहुत धीमी है। प्रभु जी वो बोल रहे हैं कि अगर कोई अपने आप को भगवान घोषित करता है तो हम कैसे पता करेंगे प्रमाणिक है कि नहीं? कुछ लोग अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं तो हम लोग कैसे पता करें? जी जी जी, कि वो व्यक्ति कैसे अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम कैसे कैसे प्रमाणिक हम कर सकते हैं, क्या प्रमाण हम देख सकते हैं कि ये अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कैसे देखें? ये प्रश्न देखें, प्रभुपाद कहते हैं जो अपने को गॉड कहते हैं वो जीओडी गॉड नहीं, वो डीओजी डॉग है। कोई व्यक्ति भगवान कैसे हो जाएगा? तो इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, डीओजी डॉग है। ऐसे व्यक्ति पे विश्वास मत कीजिए, आप उसके पास मत जाइए, और दूसरों को भी बताइए उसके पास मत जाए। तो जो भगवान होता है उनका वर्णन शास्त्रों में होता है ना, आप उनके पांव देख लीजिए, उनके पांव में कुछ चिन्ह होने चाहिए, भगवान के पांव में चिन्ह होते हैं, आगे जाके हम चर्चा करेंगे। अक्रूर जी जब ब्रज में जाएंगे भगवान के चरणों के चिन्हों को देखेंगे, उनका शास्त्रों में वर्णन होता है, उनके कुछ अद्भुत कार्य होते हैं, भगवान को अद्भुत कर्मणा बताया गया। उनको बोलिए कि आप गोवर्धन को उठा के दिखाइए, गोवर्धन छोड़िए, एक छोटा सा ग्लास अपनी उंगली पे खड़ा करके दिखाइए, ऐसे बोलो। वो हमें नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई अद्भुत कर्म नहीं कर पाएंगे, ना उनका शास्त्रों में वर्णन होगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, और दूसरों को भी समझाना चाहिए, ऐसे लोगों के पास ना जाए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जो सुख दुख होता है वो आत्मा को होता है या फिर शरीर को होता है? सुख दुख आत्मा को नहीं होता, आत्मा अपनी पहचान अपने मन और शरीर से करती है, इसलिए दुख। मैं इंडियन फिलोसफी पढ़ रही थी ना, तो उसके अंदर ना आध्यात्मिक आत्मा के गुण में ना इच्छा
द्वेष सुख दुख प्रयत्न बुद्धि ये सब गुण बता रखे थे, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि आत्मा को भी मतलब दुख सुख होता है क्या? नहीं, आत्मा को प्रभाव, क्योंकि आत्मा अपनी पहचान इस शरीर से और इस मन से करती है, इसलिए उसको ठीक है। तो आपसे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, कल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।